हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। हियर द क्वेश्चन इज सेइंग दैट माइटोटिक स्पिंडल हैज डैश एज द मेन प्रोटीन। सो माइटोटिक स्पिंडल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द प्रोटीन, विच इज द मेन प्रोटीन दैट इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, दैट वी हैव टू से। सो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट वन इज ट्यूब्यूलिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड डाइनिन। ओके, अगर बात करें व्हाट इज द की कंसेप्ट दैट वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन, सो कह सकते हैं यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज बेसिकली द माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, यहाँ पे की कंसेप्ट है हमारा माइटोटिक स्पिंडल, ऑल्सो नोन एज द स्पिंडल फाइबर। इसको हम स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें व्हाट एग्जैक्टली द स्पिंडल फाइबर इज, स्पिंडल फाइबर या माइटोटिक स्पिंडल एग्जैक्टली होता क्या है, सो वी कैन से इट इज अ प्रोटीन। कह सकते ये एक प्रोटीन है दैट इज हेल्पिंग इन द डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल के डिवीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, जब हम बात करते हैं सेल साइकिल की या सेल डिवीजन की, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, जो पैरेंट सेल होता है वो डिवाइड होता है इन ऑर्डर टू गिव राइज टू टू डिफरेंट या टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है, तो हम एक पैरेंट सेल डिवाइड होता है टू गिव राइज टू टू आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है, तो मान लो मैं पैरेंट के पास कुछ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ अगर हमें जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाने हैं तो जो क्रोमोजोम पैरेंट के अंदर है उसको हमें इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा टू पार्ट में, सो दैट दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली रेगुलेटेड बाय स्पिंडल फाइबर। हम कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर का मेन फंक्शन क्या है, जब पैरेंट सेल में जो भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, व्हाटएवर क्रोमोसोम्स दैट आर प्रेजेंट इन द पैरेंट सेल, द स्पिंडल फाइबर बेसिकली इक्वली डिवाइडेड। ओके, सो वो उसको इक्वली डिवाइड करती है इनटू द टू डिफरेंट डॉटर सेल्स। ठीक है, तो दोनों डॉटर सेल्स में वो क्रोमोसोम को इक्वली डिवाइड करती है ताकि दोनों डॉटर के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहुंचे एंड वी विल गेट द जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। अगर हम बात करें माइटोटिक स्पिंडल की या स्पिंडल फाइबर की, हम कह सकते हैं दे आर बेसिकली द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है, दे आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, हम कह सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, मतलब जब प्रोफेज होता है, ड्यूरिंग द प्रोफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर हेल्प करती है इन द सेपरेशन और इन द डिविजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हमने देख लिया कि स्पिंडल फाइबर इट इज कम्पोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, हमें मालूम है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज ट्यूब्यूलिन। सो जो माइक्रोट्यूब्यूल का मेन प्रोटीन कंपोनेंट होता है दैट इज ट्यूब्यूलिन। सो फ्रॉम हेयर वी गेट द आंसर दैट द स्पिंडल फाइबर और द माइटोटिक स्पिंडल इन देम द मेन प्रोटीन कंटेंट विल बी ऑफ ट्यूब्यूलिन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। चलिए दूसरे ऑप्शन के भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द ऑप्शन बी दैट इज मायोसिन या डायनिन, ये दोनों जो है दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मोटर प्रोटीन। ठीक है, दे आर द मोटर प्रोटीन, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अगर हम बात करें ऑप्शन सी दैट इज ट्रोपोमायोसिन की, तो जब हम बात करते हैं ट्रोपोमायोसिन की, जो ट्रोपोमायोसिन है they are playing a very important role in the muscle contraction. So, ye muscle contraction ya muscle relaxation mein kaafi important role play karte hain. That is why we can say they are the muscle protein. So, ye option bhi hamara galat ho gaya. So, from all these, we have concluded that the correct answer here will be option A, that is, tubulin is the main protein that forms the mitotic spindle, or we can say the spindle fiber. I hope you understood the question well. Best of luck.